हेलो दोस्तों, मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हैं आप अपने फेसबुक पर गलती से कोई भी पोस्ट अपलोड कर देते हैं तो उसे कैसे रोकें, क्या आप उसे अपलोड होने से यानी जो कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है उसे पूरा होने से पहले ही कैसे रोकें। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों फेसबुक पर जो भी चीज़ हम दिन भर में करते हैं उसमें चाहे हम फोटोज़ कैप्चर करते हों या फिर वीडियोस, वो हम फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ अप्लाई होती है कि जिसके अंदर हम अपलोड करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अपलोड कुछ और करना चाहते हैं और कुछ और अपलोड हो जाता है। सभी के साथ नहीं होता लेकिन कभी ना कभी ये होता ही है। जैसे ही हम इसे अपलोड करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग चलती है जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगती है, फिर आपको पता चल जाता है कि इतना टाइम लगने वाला है। तो वो कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उससे पहले ही अगर आप चाहें तो उस पोस्ट को रोक सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने क्या देखा होगा कि आपने ये करके देखा होगा, ट्राई करके कि आप अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं लेकिन वो प्रोसेसिंग नहीं रुक जाती है। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट को ओपन करते हैं वो दोबारा से शुरू हो जाती है, यानी वो पोस्ट अपलोड हो जाती है और कुछ लोग उसे देख भी लेते हैं लेकिन बाद में डिलीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वो अगर अपलोड होने से पहले ही रोक दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपकी दो चार ने भी अगर वो वीडियोस देख ली तो हो सकता है कि आपका नाम ख़राब हो जाए, क्योंकि वीडियो कुछ भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है आपकी, और गलती से अपलोड हो जाती है तो वो आप कैसे रोक सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है आप जहाँ पर अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं तो मैं अपना पेज देख लेता हूँ। जैसे कि ये पेज है, मैंने यहाँ पर एक वीडियो देख ली है कि ये वाली वीडियो है और यहाँ पर कुछ इसका कैप्शन वगैरह देना था। तो अभी मैं यहाँ पर जैसे जैसे शेयर का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको शेयर करनी है। जैसे ही शेयर का बटन दबाता हूँ ये कैप्चर होना शुरू हो जाती है। ऊपर देख रहे हैं कि आप वहाँ पर जो है वो लाइन शुरू हो गई है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे से इंटरनेट हमने बंद कर दिया। अब इंटरनेट बंद कर दिया क्या हुआ है इससे कि ये जो अपलोडिंग थी यहीं पर रुक चुकी है और आगे नहीं बढ़ी। लेकिन हम इसे इंटरनेट चालू कर देंगे तो ये प्रोसेसिंग फिर से शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बात ये है कि आपकी जो पोस्ट है वो अपलोड होकर ही रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे रोकना है। इसे रोकने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको अपने फेसबुक पे जाना है, इंटरनेट बंद होना चाहिए, फ़ौरन आपको इंटरनेट बंद कर देना है अगर आप कोई भी पोस्ट रोकना चाहते हैं फेसबुक पर अपलोड होने से पहले पहले। तो आपने इंटरनेट बंद कर दिया, वो प्रोसेस नहीं रुक गई है। जो फेसबुक है आपकी तो ये अलग अलग होता है आपका इंटरफेस। तो मैं जो है वो 9 जो है एंड्रॉयड का वो वाला वर्जन चला रहा हूँ, तो उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करें यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर आप ऐप इन्फो देख रहे हैं, अगर आपके पास नहीं आता यानी एंड्रॉयड का लोअर वर्जन है आपके पास तो आप क्या करें, आप जाएँ अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप ऐप्स जहाँ पर होती है लिस्ट, आप वहाँ पे जाना है, फेसबुक को ओपन करना है और जहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा कि अब मिल रहा है, इस तरह का इंटरफेस आपको लेकर आना है। या आपको पता ही होगा कैसे होगा, चाहे तो लॉन्ग प्रेस करके अगर आपका लेटेस्ट कोई एंड्रॉयड है तो वहाँ पर आपको ऐप इन्फो मिल जाएगी, या फिर आप सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए और फेसबुक हैं वहाँ पर जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज में जाना है आपको। स्टोरेज में जाने के बाद जो है वो क्लियर स्टोरेज कर देना है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पासवर्ड वगैरह अपनी फेसबुक का पता हो या फिर 1 टैप वाला जो पासवर्ड होता है जिसके अंदर आपकी फ़ोटो आती है, आप सिर्फ वहाँ पर क्लिक करते हैं जिससे आपका पासवर्ड ऑटोफिल हो जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने फेसबुक का जो पासवर्ड होता है वो सही तरीके से नहीं पता होता, तो मैं उनको ये बात बता रहा हूँ। तो फिलहाल आपने क्या करा, आपने फेसबुक पर पोस्ट अपलोड कर दी, रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया और सब कुछ करने के बाद जहाँ जहाँ मैंने बताया आप वहाँ पर आ गए तो इस तरह का इंटरफेस आपको दे दिया। यहाँ पर क्लियर स्टोरेज आपको कर देनी है और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा जो स्टोरेज आपकी है इस तरह के होने में। तो ये थोड़ा जैसे कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा। तो ये जितने भी इसने डाटा इस्तेमाल किया है आपका, ओरिजिनली जितनी MB की होती है, फिर कुछ यूज़र डाटा होता है, कुछ कैश होता है ये अपने पास रख लेता है।
इस तरह से जैसे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, उससे क्या होगा कि वो जो आपके अपलोड होने वाली थी वो डाटा भी आपका स्टोर होता है, और इसी तरीके से आप देख लिए जाते हैं कि ये सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो ऊपर वाला सिस्टम था जहाँ पर आपको प्रोसेसिंग लिखी हुई आ रही थी वो अब नहीं है, और मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे फेसबुक में ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद जो है ये पूरा वैसे शुरू से होगी जैसे आप इंस्टॉल करते हैं किसी तरह से। यहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह या जो भी चीज़ होती है वो आपको फिल कर लेनी है उसी तरीके से जैसे होती है। जब ये सारी चीज़ कर लेंगे तो आपको एक बार इंटरनेट ओपन करना है, और आपको उसी तरीके से पासवर्ड वगैरह जो होते हैं आपके वो फिल कर लेने हैं। क्योंकि अगर आप इंटरनेट बंद करके ट्राई करते हैं किसी तरह का पासवर्ड वगैरह चूज़ करने का तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जैसा भी है आपका, ये आप इसे ओके कर दीजिएगा, अब ये आपका हो चुका है। और हम मैं आपको वहाँ पर ले जाकर दिखाता हूँ उसी पेज पर जहाँ पर हमने वो करी थी, वो वीडियो हमारी अपलोड हुई है या नहीं। यहाँ गए हम, जो भी हमारे पेज वगैरह होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिलहाल अभी जो है वो लास्ट वाली कल वाली जो मैंने करी थी, यानी इस वीडियो के अपलोड होने से पहले की वीडियो जो थी उसका जो लिंक शेयर किया था मैंने अपने पेज पे वही है, और जो हम वीडियो अपलोड कर रहे थे वो अपलोड नहीं हुई है। तो यही का सारा कुछ जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं अगर आप अपनी वीडियो को रोकना चाहते हैं अपलोड होने से पहले, जल्दी से अगर आपने अपलोड कर दी है तो यही प्रोसीजर था जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।